तो थैंक यू सो मच टीम, कैसा रहा आज का दिन? मुझे पता है बहुत सारे लोग थक गए होंगे, भाई का थोड़ा आवाज लो करिए ना, आवाज थोड़ा लो करना, हल्का कम, आई तो बिल्कुल नहीं परफेक्ट है, हल्का तेज करना, हल्का सा बस, ठीक। सो मेरी आवाज नहीं दे रही है? सो आज का दिन आप लोग के लिए कुछ विशेष होगा, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिश्तेदारी में होंगे, कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, शायद वो काम कर रहे होंगे जिससे उनका परिवार चलता हो और 20-25 हजार 50 हजार महीने की इनकम आएगी। लेकिन आप लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपके दिमाग में एक उम्मीद थी, एक होप थी कि जहां हम जा रहे हैं वहां पे शायद मेरी लाइफ सेट हो जाए, आने वाले 2-4 सालों में शायद 2-4, 10-20 लाख महीने की इनकम आ सके। डिफेंस नेटवर्क मार्केटिंग कोई इसलिए नहीं करता कि उसकी 25-50 हजार महीने की इनकम चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसलिए ज्वाइन नहीं करता उसका परिवार चल सके। नेटवर्क मार्केटिंग जब भी कोई स्टार्ट करता तो उसका उद्देश्य एक होता है कि मैं उससे अपना लाइफ स्टाइल क्रिएट करूं। तो वंस अगेन मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से यहाँ पे हैं। सो अखिलेश नाम है, बाय बर्थ मैं बनारस से, वाराणसी से, और 2011 से मैं दिल्ली में शिफ्ट हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के लिए दिल्ली आया था। तो पहले मैंने फ्रीलांसर काम किया, फ्रीलांसर काम करने के बाद उस समय बाद फिर मैंने अपनी कंपनी खोली और वही मैं अपनी कंपनी काफी लंबे टाइम तक मैंने चलाया और फाइनली मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड होकर लाइफ से 2018 से, यानी कि इस महीने की 10 तारीख को जो मेरी इनकम आएगी वो मेरी इस कंपनी की 36वीं पे आउट होगी। कितनी? 36वीं। यानी कि जब 3 साल वाला जो पे आउट है, 12 या 36, 3 साल का जो आखिरी पे आउट है वो 10 तारीख को आएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 3 साल का सफर रहा ये बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार। मैं क्यों दोस्तों बोल रहा हूँ कि कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है। मैं ये बताने से पहले समझना चाहूंगा कि कितने लोग नए हैं, पहले हाथ देना चाहूंगा नए लोग कितने हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया सर आप लोगों ने, तो ये तो 60% जनता है, राइट। एवरी 3-4-5 अभी शिमला हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो इधर के काफी लोग उधर भी हैं, इस साइड से होकर उधर गए हुए हैं। तो दोस्तों बताने का मेरा सेंस ये था, आप समझना कि लाइफ में कंफ्यूजन की स्थिति अक्सर हमारे आपके साथ होती है और ये कॉमन है, इंसान है, कंफ्यूजन की स्थिति होनी भी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि निर्णय की बात करूं कि आज आपको यहाँ पे बताया गया कि एक बिजनेस है, इसमें बड़ा इनकम कर सकते हैं और तभी आपके घर पे कोई इश्यू उड़ा दे, अरे फालतू काम है कहां से, और आप कंफ्यूज हो जाए। मैं आपसे बोलूं कि अथर्व और भूमि दो बच्चे हैं, मतलब एक एडल्ट है और दोनों एक साथ दौड़ लगाते हैं, राइट, और 10 किलोमीटर के दौड़ में भूमि जीत जाती है, वो भी काफी अंतर से, कि वो 10 किलोमीटर की दूरी जो भूमि ने तय किया 1 घंटे में, अथर्व ने तय किया 1.5 घंटे में। और मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे ज्यादा स्वस्थ और स्टेमिना किसकी अच्छी होगी, तो आप क्या बोलेंगे? भूमि की, क्योंकि 1 घंटे में उसने दूरी तय की 10 किलोमीटर, जबकि अथर्व ने उसको कितना लिया? 1.5 घंटे। अब मैं अगला बोलता हूं कि लेकिन वो जो दूरी डिस्टेंस तय की गई भूमि ने तय किया ट्रैक के ऊपर और अथर्व ने वो तय किया था एक रेगिस्तान के अंदर दौड़ते हुए, अब हेल्दी कौन हुआ? अथर्व हो गया। लेकिन मैंने फिर ये बोला कि भूमि का वेट 150 किलो का है और अथर्व का वेट मात्र 65 किलो का है, अब आपके यहां से हेल्दी कौन हुआ, कौन रिश्तेदार ज्यादा थी? भूमि के साथ। यानी कि जैसे जैसे किसी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती जाती है आपकी राय चेंज होती जाती है। आपकी राय वो नहीं है जो यहाँ बनेगी, आपकी राय वो नहीं थी जो यहाँ लेके आप आए थे, और आपकी राय वो भी नहीं होगी जो यहाँ से जाने के बाद 20 लोग समझाएंगे। ये वो राय तब बदलती है जैसे जैसे नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन खतरनाक वो नॉलेज कब हो जाती है? जब आप कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बेकार है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं बेकार है, फालतू है, फंस गए। अभी कंफ्यूजन की स्थिति जहां पैदा हुई वहीं पर जाके आपका गेम होता है ओवर। क्यों आप बताना, मैं पूछना चाहूंगा, रोड का सबसे ज्यादा कौन मरता है, कुत्ते या गधे? क्यों? कंफ्यूज होते हैं, गाड़ी इधर भागा फिर भागे उधर लपेट गया इधर से, और गधा ऐसे जाता है जिसको आना हो जिसको जाना हो जाओ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी, वो फोकस है मुझे पार करना है बस, जिसको रोकना रोक ले पहले से।
तो आप समझो गधे नहीं मरते हैं, मरते कौन है, कुत्ते, क्योंकि कुत्ते क्या होते हैं, कंफ्यूज। और लाइफ में भी वही फेल है, जो कौन है, कंफ्यूज। आप आर या पार, आप हमेशा देखिए कि आपको सलाह देने वाला कौन है। एक व्यक्ति जो सलाह दे रहा है आज की सिलेंडर लेके घूम रहा है, और एक व्यक्ति और है जो आपको सलाह दे रहा है कि ये काम करो, बेटर हो सकता है, पहले से लाखों या करोड़ों रुपए कमा रहा है, समझो। तो डिफरेंस यही क्रिएट हो गया ना। हमारे मास्टर साहब जो टीचर थे आके बोला, अखिलेश बेटा पढ़ाई करो और बढ़िया पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाएगी, तुम भी मेरे जैसा टीचर बन जाओगे। अभी उनकी हालत देख रहा हूँ, तो स्कूटर लेके घूम रहे पिछले 15 सालों से, मैं देख के डर गया, भगवान टीचर न बनाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी कैरियर आप सोच के चलते हो, समझना एक चीज को, जो भी कैरियर आप सोचते हो कि मुझे ये बनना है, आप वो पहले शख्स नहीं होगे, आपसे पहले हजारों लाखों लोग वही काम कर रहे होंगे, मैं सही हूं? Yes. तो आप एक काम करो, आप बुलावे मत जियो यार, आप जो बनना चाहते हो वैसे 4 लोगों का घर घुमाओ कि 15-20 सालों ने किया क्या, वो कौन सी गाड़ी से चलते हैं, उनके बच्चे कौन से स्कूल में चल पड़ते हैं, उनकी लाइफ का यानी कि रहन सहन, कपड़े किस लेवल के हैं, वो घूमने जाते हैं नहीं जाते हैं, पार्टी करते हैं नहीं करते हैं, क्या है उनका। आप जो व्यक्ति 15-20 साल किसी प्रोफेशन में हो, आप उनको जाकर उनकी लाइफ का देख लीजिए, 15-20 साल बाद आप भी वही बनेंगे, उससे डर थोड़ी हो जाएंगे। अरे टीचर बन के टीचर की तो लाइफ स्टाइल मिलेगी, मिलिट्री मैन बन के मिलिट्री मैन वाली लाइफ स्टाइल बनेगी। तो आपको जो बनना है लाइफ में, आपसे पहले लाखों लोग हैं, आप जाके पहले उनकी लाइफ स्टाइल चेक करो, इधर सेटिस्फाइड होगी, यस मुझे ऐसा चाहिए, देन गो अहेड। सिंपल सी बात है, अपना एजेंडा बहुत क्लियर है भाई। मैं प्लान करता हूँ किसान परिवार से, कितने लोग किसान फैमिली से यहाँ पे, सारे किसान प्रतिनिधि, सारे बिरादरी वाले हैं, बिल्कुल। मैं प्लान करता हूँ किसान परिवार से, किसान परिवार भी वैसा परिवार जिसके पास में सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो किसानों के, हमारे यहाँ जो किसान है बनारस में, नहीं उनकी हालत है कि जितना पैदा कर लिया, वो पैदा करने के बाद एक ही काम वो कर सकते थे, क्या काम कर सकते हैं, एक काम कि किसी तरीके से गवर्नमेंट का खाद वाद का पैसा हम दे देते थे कि जितना हम बेचे उतना हम खाद वगैरह का पैसा हम पे कर लें। लेकिन वहां पे रहकर जब मैंने सपने देखना शुरू किया कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, अब पढ़ाई में कमजोर था, कमजोर नहीं था, मैं मीडियम था, ऑलराउंडर सेकेंड डिवीजन, तो पढ़ रहा था, हालांकि बीकॉम में और नीचे आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि जब मैं 12th पार करने के बाद, जब कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ने के बाद, जब मुझे इंटरनेट हाथ में लगी, तो यू नो कि इंटरनेट हाथ में लगने का मतलब मैं दुनिया में कहीं किसी कंट्री के नागरिक से बात कर सकता हूँ, मैं सही हूँ? Yes. आप जिस कंट्री में चाहो उस कंट्री के लोगों से बात कर सकते हो इंटरनेट। तो मुझे याहू मिल गया था 2001 में ही। तो मैं अक्सर याहू दोस्तों खोजा करता था, हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। तो हम बहुत सारे आते थे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो हिट किया मुझे, दैट इज बिल्ड द नेटवर्क, बिल्ड द टीम। बिना टीम बिल्ड किए, बिना टीम बनाए दुनिया का एक भी इंसान अमीर नहीं बन सकता, स्पष्ट कन्वर्सेशन था। मैंने ये देखा कि आम आदमी कहां से अमीर बन सकता है, कुछ दिखता ही नहीं था, बस कुछ भी नहीं देखा, घूम चल के आके क्लियर किया नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। एक भी दुनिया का ऐसा अमीर आदमी रिच इंसान नहीं दो जिसकी अपनी टीम ना हो, जिसके अपनी नेटवर्क ना हो। लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ नेटवर्क बनाने से डरते हैं, डरते नहीं है, डराए जाते हैं। आपसे मैं ये बोलूं कि आप 8 घंटे काम करो, एक दिन में 80 घंटे काम करो, एक दिन में 8000 घंटे काम करो, तो 8000 घंटे एक दिन में काम हो तो किसके लिए बुराई है भाई, सब लोग करना चाहेंगे, लेकिन उसका माध्यम एक ही है, वो नहीं करेंगे। जब मीडियम एक ही है, आपका से एक ऑप्शन भी नहीं है, तो कंफ्यूजन क्यों पैदा होता, मुझे आज तक नहीं समझ आई। इतनी आसान सी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, हम ये बोलते हैं कुछ भी नहीं करना भाई, एक ही चीज कर रही है कि अपने घर का सॉफ्ट चेंज करनी है, करवानी है, दूसरी कोई काम नहीं करनी है। अब इसमें कौन सा इलीगल काम है, इसमें कौन सा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, इसमें कौन सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है दिन भर, ऐसी कुछ भी चीज इसके अंदर नहीं है जो चीज आपको नेगेटिव कर सके। जो आपका पड़ोसी आपका दोस्त बोलता है फालतू वालों से पूछे पाटेगा नौकरी कहां करता, वहां रात में सामान कुछ खाता पता कहीं से तो आता है, हाँ तो वाई नॉट यहां करता है, यहां से लेने क्या बुराई है बता, बस उनके पास एक जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन राय चल वो बनेंगे कि ये काम बेकार है, समझो। मार्केट में दोस्तों हजारों कंपनियां काम कर रही है, कई हजार कंपनियां काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में,
मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या थी कि मैं जब आईटी कंपनी खोला तो मेरे पास कई सारी नेटवर्किंग कंपनियों के एमडी लोग आए कि सर मेरी कंपनी का प्लान डिजाइन कर दो, बिकॉज आप सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो ही तो कंपनी चलेगी। नतीजा मेरे करियर में क्या रहा कि मैंने करीब 200 से 250 के बीच में कंपनियों के प्लान डिजाइन किए, सॉफ्टवेयर बना के बेचे। तो जब सॉफ्टवेयर बना के बेचने के धंधे में थे तो मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो गई। अच्छी होने का मतलब यह था कि प्लान देख के लग जाता था कि प्लान 2 साल 3 साल 4 साल कब तक सर्वाइव करेगा, या किसी कंपनी के अंदर में कितने लाख ज्वाइनिंग चली जाए तो उनका प्लान क्रैश कर जाएगा, कैलकुलेशन हो जाती थी। नतीजा जब मैं देखा कि हवाई चप्पल पहन के यू स्लीपर पहन के लोग आते थे हमारे ऑफिस में कि सर वो कंपनी का प्लान डिजाइन करना है, लाइक एक एमडी साहब आ गए बगल में कोई और आकर चार लोग, और एक साल 8 महीने होते तो वही आता सर मिठाई खाइए, क्या वो हुनर की कोशिश किया है? तो यार हद हो गई, हम यहाँ बैठ के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं 2-4 लाख महीने मुश्किल से आते हैं, यहाँ 7 महीने में वो लोग हुनर से खरीद ले गया। तो मुझे अगर मैं प्लान डिजाइन कर रहा हूँ, लोग रिच हो रहे हैं, मेरे आंखों के सामने हो रहे हैं रिच, तो वाई नॉट मैं भी फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करूँ। तो 2018 मार्च में मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी क्लोज की और 18 मार्च से दिमाग लगा लिया मुझे फुल टाइम कुछ करना है। और 22 जून के अंदर मैंने इस कंपनी का प्लान देखा था, सॉरी रिजाइन किया था लास्ट कंपनी, और फाइनली 1 अगस्त 2018 मैंने काम शुरू किया। अब सवाल पड़ता ये होता है कि ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी, ऐसी कौन सी फैक्टर है जो मुझे यहाँ लेके आई, ऐसी कौन सी फैक्टर है जब लोगों ने मुझे कंफ्यूज करने का प्रयास किया लेकिन मैं गधे स्टाइल में आगे जाता रहा, कंफ्यूज नहीं हुआ। जैसे आप मेरी भी हत्या हो गई होती इस कैरियर की हत्या, यानी तो मैं तो कंफ्यूज नहीं हुआ। कंफ्यूज होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मुझे कुछ क्लैरिटी थी कुछ चीजों की, और मैं चाहूंगा कि वो क्लैरिटी मैं आपको दूं, राइट, वो क्लैरिटी मैं आपको दूं, क्योंकि यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो मेरा सब मानना है कि आपका लाइफ भी यूटर्न हो सकता है। कई हजार कंपनियां उन कंपनी में वाई होकर लाइफ किया जिसके पीछे कुछ रीजन थे, जिनमें 4 फैक्टर पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहला, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम क्यों हमने स्टार्ट किया। नंबर दो, यदि ये चीज आप समझ पाए तो मेरा सब मानना है कि शायद चीजें बदल सकती हैं आपके लिए, राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहले मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। हमने एक बार देखा कि पूरे हिंदुस्तान की आबादी देखा तो 132 करोड़ से ज्यादा हमारे देश की दोस्त आबादी है, और एज पर गवर्नमेंट इस 132 करोड़ में से लगभग 70% लोगों की महीने की इनकम 15,000 से कम है। आप कल्पना करके देखो, यानी कि लगभग 70 से 80 लाख लोगों की इनकम भारत में महीने का 15,000 से कम है, उसमें गुजारा कर लेते हैं और हो भी जाता है गांव में लोगों का आराम से। और जब हम बात करते हैं तो इनमें से हर इंसान पर डे कुछ ना कुछ खरीदारी करता है अपने डेली नीड के सामान को। और ये आंकड़ा उन्होंने निकाला कि नेटवर्किंग वालों की बात की जाए तो 2021 मार्च तक का जो डेटा गवर्नमेंट ने दिया कि मात्र 72 लाख लोग ऐसे भारत में हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के सामान को इस्तेमाल करते हैं। यानी देखा जाए तो 0.54% लोग अभी भारत में सामान इस्तेमाल करते हैं किसका, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का, जो कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देती है। ताजुब का तो यह था कि हमने देखा कि यानी आज भी 99.46% लोग सामान कहां से लेते हैं, किसी ऐसे दुकान से, मात्र 0.5% लोग किसी भी नेटवर्किंग से सामान इस्तेमाल करते हैं। हमारा आंकड़ा बहुत क्लियर था। मैं आपसे यदि पूछूं कि आज आपको दुकान खोलनी है, जंगल में साधु कुटिया लगा रहता है तो जंगल में दुकान खोलेंगे उसके लिए, या किसी मोहल्ले किसी गांव में 100 परिवार वहां दुकान खोलेंगे? हाँ जी, मोहल्ले में। हमने यही किया कि अब तक नेटवर्किंग में जो कंपनियां आई वो आपस में मुकाबला कर रही थी कि उस नेटवर्किंग को तोड़ेंगे उसको फोड़ेंगे। हमने कहा कि भाई साहब जंगल में जाकर दुकान क्यों खोले, जहां सिर्फ 0.5% लोग रहते हैं, जहां 99.46% लोग हैं, क्यों ना कंपैरिजन इनसे किया जाए, ट्रेडिशनल मार्केट से किया जाए। और इसी बेस पर हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बात समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर इंसान नेटवर्कर कभी नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान पैदा होते ही एक चीज होता है, क्या?
तो वाई नॉट हम उनको तैयार करने के लिए इनको तैयार करें, क्योंकि बाई बर्थ एक बच्चे से लेके जब एक बुजुर्ग का डेथ हो जाता है ना, उस समय वो एक कंज्यूमर होता है। तो हमारा सीधे सीधे फोकस था कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे। बातें तो सारी कंपनियां करती हैं लेकिन करती नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोला कि आप कल्पना करो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है किसी कंपनी का, किसी कंज्यूमर का, कि कंपनी में सामान बनेगा, उसका टीवी पे ऐड आएगा, ऐड होने के बाद सामान ट्रांसपोर्टेशन द्वारा कहां पहुंचेगा, किसी स्टेट के सीएम अपने वो लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट होलसेलर, वो लेके जाएंगे एरिया के होलसेलर में, वो दुकानदार के पास, और हम क्या करेंगे, इनके यहाँ सामान खरीदते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ फैक्ट्री में जाकर थोड़ी सामान खरीदते जाता है, हर व्यक्ति मोहल्ले किसी दुकानदार से सामान लेता है, ये इससे लेता है, ये इससे लेता है, ये इससे लेता है, ये इससे लेता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और नेटवर्किंग क्या बोलती है समझना, जो लोग नए हो स्पेशली आप ध्यान दो कि आपके घर में जो सामान इसी तरह घर पहुंचता है आपके। और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों क्या बोलती है कि आप यहाँ पे आइए, सीधे कंपनी की फ्रेंचाइजी खोलेंगे हर शहर के अंदर, वहीं से लीजिए। जब कंपनी का फ्रेंचाइजी होगा तो बीच में डुप्लीकेसी, ये डुप्लीकेट माल बेच सकता था, ये बेच सकता था, यहाँ पर डुप्लीकेसी है नहीं, सीधे कंपनी के स्टोर, और बिना बिल के माल दे भी नहीं सकते, तो डुप्लीकेसी का काम तो खत्म। तो एक व्यक्ति यहाँ बच गया बीच में, हम जैसे आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, कि भाई ये कंज्यूमर वहां तक पहुंचे कैसे उनके सेंटर पे, तो ये व्यक्ति मुंह से जाके बताएगा मतलब पूरी पैसा कहां पर दी जाएगी इन लोगों के बीच में। अब यही थी नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस चीज में यदि कोई बोले बेकार काम है, फ्रॉड है, तो मुझे उसके नॉलेज पे डाउट होता है। आपको खुद डाउट करना चाहिए, आपको उसे सवाल पूछना चाहिए, हे बुद्धिमान मानो ये बता कि इसमें गड़बड़ी कहां पे, इसमें कौन सी फ्रॉड है, कौन सी गलत है। दिस इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल, सिंपल बिजनेस मॉडल जो सदियों से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग लोग यही फॉलो करते आए थे, राइट। हमने कैलकुलेशन की कि एक घर में जाया जाए, एक घर में कुछ सामान जैसे मान लो चाय पत्ती हो गई, साबुन हो गई, सैनिटरी नैपकिन, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश और खाने का तेल, इसमें एक चीज ऐड किया कैल्शियम। कैल्शियम क्यों ऐड किया, हमारा मानना था कि आप बड़ों से लेकर बुजुर्गों से लेकर बच्चों को लेकर सबको चाहिए कैल्शियम। क्यों, क्योंकि यहां बैठी मेरा मानना है कि 60-70% महिलाओं के कमर में दर्द या पांव में दर्द होने शिकायत होगी, वो ड्यू टू कैल्शियम होता है, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली। तो हमने इसको ऐड किया कि यदि इतना सामान किसी घर में ले आना हो तो क्या एक्सपेंस जा सकता है किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में, किसी भी बनिए दुकान पे और ओके लाइफ में। जब दोस्तों हमने कैलकुलेशन किया तो आप देख सकते हैं 2000 नेटवर्किंग में लगभग 1200 यहाँ पे और 800 से 900, 900 के आसपास ओके लाइफ मिल जाता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। यानी यदि लोकल बनिए की दुकान से भी सस्ते मिल जाए या मतलब उसका बराबर भी मिल जाए तो बुराई क्या है, क्वालिटी मेंटेन करते हुए। हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, हमने ये देखा बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ, ये लोग आयुर्वेदा का सामान बेचते हैं, तो वाई नॉट हमने एक दिन के अंदर में ऐसे 24 सप्लीमेंट आयुर्वेदा के लॉन्च किए जिसमें 60 टैबलेट की पैकिंग थी, अप्लाइज किया रखा सिर्फ 159। अभी सर बात कर रहे चरक आयु की, चरक आयु नाम से। क्यों, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि हम ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर प्राइस पे लेके टोर्स चले। कंपनी लाख खा जाएगी दोस्त, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने ठेला लगा लिया, आपने परचून की दुकान खोल ली, आपने एक मेडिकल स्टोर खोल ली, आपने पीवीआर का एजेंसी, पीवीआर खोल लिया आपके शहर में, पीवीआर खोल लिया, लेकिन जब उसमें सेल होगी नहीं तो उसकी मालिक की कमाई आएगी क्या, सेल होगी नहीं तो कमाई कैसे आएगी। और सेल तब होगी जब कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सके। नतीजा हमने सिंपल फोकस किया कि आज इस महीने के रेट की बात करें तो खाने के लिए सफोला का आरबीओ राइस ब्रैन ऑयल आता है कितने का, 220 का। वही लेके हम तो 210 करोड़ का फॉर्चून का दोस्त ओके लाइफ का आता है कितने का, उठा लो 210 रुपए का। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है ये ओरिजिनल जो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हार्ट की ब्लॉकेज या हार्ट अटैक को रोकता है। अभी पीछे देखिए 2 दिन पहले एक एक्टर का डेथ हो गया, रीजन क्या था, हार्ट अटैक। उसके पहले भी कई केसेस हुए हैं। इतने स्मार्ट बॉडी बिल्डिंग शरीर के अंदर में, खूबसूरत शरीर के अंदर में हार्ट अटैक इस एज के अंदर उम्मीद नहीं थी, बट हुआ। क्यों, और बोलते क्या है ये जो ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल की वजह से हार्ट का ब्लॉकेज रुक जाता है,
तो आपको हेल्थ, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, कि दुनिया के अखबार में कटिंग में हर जगह मिल जाएगी, राइट। तो इससे बहुत पॉपुलर हो गया। तो आप कल्पना करो कि 1000 MG के साथ में 210 फॉर्च्यून का इस महीने का रेट है, और 1400 के साथ हम कितने मिल रहे हैं सेम रेट में, तो लगभग 40% ज्यादा हो गया उधर बात करेंगे तो। हमने कंपेयर हमेशा किया किसी ट्रेडिशनल मार्केट से, हमने देखा कि किसी को चोट लग जाए दो तो मूव आती है कितने की, 169 की, वही एवरेज आ गई 123 का, हमने अपना लॉन्च किया मात्र 90 रुपए का। हमने देखा कि हर घर में सैनिटरी नैपकिन चाहिए, यदि अल्ट्रा थिन क्वालिटी लेनी हो तो लगभग आपको 50 रुपए का साफ पैक स्टेट फ्री ऑफ केयर मिल जाएगा, हमने लॉन्च किया कितने का 49 का साफ पीस। और मजे की बात की कैपेसिटी इसकी ज्यादा है कंपेयर टू दूज, 1 ग्लास पानी के अंदर में इसको फाड़ के डाल दीजिए, वो तैरने लगेगा ये पूरा विदिन 15 सेकंड के अंदर पूरी पानी जेल में बदल जाएगी, आप डेमो करना। हमने क्या किया, हमने हर जगह आज नहाने का साबुन नीम साबुन का अगर 25 का, हमने नीम तुलसी पुदीना के साथ में दिया आपको कितने का 30 का। बेस्ट पॉइंट ये रहा कि इसका TFM जो साबुन की क्वालिटी निर्धारित करता है वो 78 रहा। हमने हर जगह पे चाहे टूथपेस्ट हो, आप ओमेगा के साथ नीम के साथ कैल्शियम के साथ में आपको टूथपेस्ट मार्केट में नहीं मिलेगा, इकलौती कंपनी हमें जो ओमेगा के साथ टूथपेस्ट लॉन्च किया कितने का ओनली 45। हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में 199 रुपए का आधा लीटर शैंपू दे देते हैं आपको, इवन 210 रुपए का आधा लीटर शैंपू देते हैं एंटी डैंड्रफ शैंपू। क्यों? क्योंकि आपके घर का बजट खराब नहीं होना चाहिए, जो बजट बढ़िए आसान हो जानी चाहिए। हमने पाउच में शैंपू पाउच में कंडीशनर तक लॉन्च कर रखे हैं, क्यों? क्योंकि आपके घर में सामान जाए। लेकिन कहानी यही शुरू हुई, जितनी विदेशी कंपनी वाले लोग थी हमारे आसपास, उन लोगों ने हमारी टांग खींचना शुरू कर दी, ये देखो साबुन तेल कैसे निकला है, साबुन तेल का धंधा करोगे? पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग FMCG से नहीं, फूड सप्लीमेंट से जानी जाती है, ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया। व्हाई नॉट फूड सप्लीमेंट? हमने दोस्त अगला स्टेप लिया, हमने अपना प्रोडक्ट बनाने के पहले, कंपनी बनाने के पहले 6 साइंटिस्टों की टीम बनाई थी, 6 साइंटिस्ट कि भविष्य के अंदर जो हम प्रोडक्ट लेके आएंगे फूड सप्लीमेंट के रूप में, वो ऐसा लेके आएंगे दोस्त जिसका तोड़ मार्केट में ना मिले। लेकिन कैसे? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमने ये देखा कि मान लीजिए किसी को गठिया की शिकायत हो, ज्वाइंट पेन हो, तो ज्वाइंट पेन के अंदर मार्केट में क्या दिया जाता है, तो हमने पाया कि मार्केट के अंदर जो इंग्रीडियंट दिए जाते हैं उन्हें देखा गया ज्यादातर लोग यही लेते हैं। पहला बॉक्स दिया जाएगा डब्बा यानी ग्लूकोजामाइन एक इंग्रीडियंट, दूसरा बॉक्स आएगा कैल्शियम का, तीसरा आएगा ओमेगा का क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और चौथा किसी को नॉलेज है क्योंकि एक्सपेंसिव महंगा आता थोड़ा सा, तो लोग कोलेजन पेप्टाइड देंगे घुटने के लिए। अदरवाइज तीन और किसी को ये लोरा दे देगा, कोई नोनी दे देगा, कोई तुलसी दे देगा, दो चार सामान तो चिपका ही देता है आदमी। और ये 3-4 सामान अब तक मार्केट में दिए जा रहे थे एज पर हमारे डेटा। हमारे पास साइंटिस्ट थे, हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि भाई ये खर्चा मिला के देखा जाए तो 3000 से लेकर 6000 तक पहुंच ही जाता है 3-4 डब्बा मिला के इंडिया में, तो क्यों ना जब खिलाना एक ही को था, एक ही समय था, तो चारों गोली 4 डब्बा क्यों एक ही में क्यों डाल देते। हमारी कंपनी के सीईओ ने पहले से टीम बनाई थी साइंटिस्टों की, और क्या बोला था कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो लोग ज्वाइंट पेन के नाम पे क्या देते हैं लिखो इंग्रेडिएंट्स को, उसके अंदर क्या डालते हैं, जितने भी बाबा रामदेव डाबर हिमालय गर्दा यानी आयुर्वेदा वाले लोग हैं ये लोग क्या देते हैं ज्वाइंट पेन नाम पे, इसको लिखो। और सारे का चाहे विदेशी हो चाहे देशी कंपनी की नेटवर्किंग उसका भी लिखो, और सबको लिख के एक साथ इकट्ठा करो और उसको स्टेबलाइज करो, और दोस्त इसको स्टेबलाइज करने में एक साथ सब कुछ एक ही में डाल के देने में वक्त लगेगा, 2-3 साल एक नहीं आएगा। और हमारी कंपनी दोस्त जब ये कंपनी बनी 2016 में उसी समय से साइंटिस्ट लोग ने उस पर काम शुरू कर दिया था, और फाइनली 2019 में जाके हमारी कंपनी आई, लगभग 3 साल बाद हमारी कंपनी सारा अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च करती है, नाम रखिए ऑर्थो मेगा। आप फिर इंग्रीडियंट चेक करिए सिर्फ 1260 रुपए का। आप सिर्फ यदि किसी को नॉलेज हो सप्लीमेंट्स की तो सिर्फ उसके अंदर क्या मिला है वो चेक करो, और यदि नॉर्मल सप्लीमेंट के नहीं है तो आप दिमाग बंद लगाओ, सिर्फ अपने क्लाइंट जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे इसका फोटो लो और किसी भी ऑर्थो के डॉक्टर को भेज दो कि डॉक्टर साहब ये कैसा प्रोडक्ट है, वो बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसा है ये, क्योंकि हमारा आपका बताना बेकार है। जो डॉक्टर उनसे जाके पूछो, जो आयुर्वेदा के नॉलेज रखते हैं उनसे जाके पूछो। तो दोस्त आपको ये इंग्रीडियंट पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, हम इकलौती कंपनी हम बनाए हैं फॉर्मुलेट किए हैं किसी को कॉफी नहीं किए थे, लेकिन सिर्फ 1260 में हमने ये देखा। जैसे मैडम ने बात की थी प्रोडक्ट का नाम लिया था ब्रेन फ्यूल, कि दर्द भूत किसी को पकड़ा था
और दसों भूत को मैडम ने उतार दिया। दस भूत कमाल का प्रॉक्ट है ये, क्योंकि आज के युग में मोबाइल की वजह से, टावर्स की वजह से आदमी डिप्रेशन में है, तनाव में है, टेंशन में है, घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, छोटे डिपार्टमेंट में गुस्सा हो जाते हैं। रीजन, अपने ब्रेन पे उनका कंट्रोल नहीं है। तो हमने कहा कि आज की दुनिया में ब्रेन के लिए कुछ प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। तो प्रोडक्ट का नाम रखा गया ब्रेन फ्यूल, फ्यूल यानी तेल, ब्रेन फ्यूल। लेकिन इसमें डाले क्या, तो कंपनी ने दुनिया का सबसे ज्यादा खोजा गया प्रभावशाली अब तक एंटीऑक्सीडेंट एस्ट्राजेंसिन को इस्तेमाल किया। मैं ज़ूम करके दिखाता हूं, दुनिया में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि 500 गुना पावरफुल है विटामिन ई से। आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए विटामिन ई चाहिए। कई बार सलून में, पार्लर में आप जाओ के मसाज वसाज कराने, तो विटामिन ई का कैप्सूल काटकर उसमें तेल निकाल के लगा के मसाज किया जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई खुराक है आपकी किसके स्किन का, और उसके कंपेयर में ये कितना गुना पावरफुल है, 500 गुना। सोचो कितनी पावरफुल, 560 गुना पावरफुल ग्रीन टी के कंपेयर में, राइट? CO2 जो कि हार्ट के लिए माना जाता है सबसे पावरफुल प्रोडक्ट, इसके कंपेयर में 800 गुना, 3000 गुना ट्रांसवर्स टॉल, जो रेड वाइन, जो रेड वाइन लोग पीते, राइट? रेड वाइन के अंदर पाई जाती है ट्रांसवर्स टॉल बेसिकली, ये भी खूबसूरती के लिए और एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। ये इसके गुना 3000 गुना, और विटामिन सी की तुलना में कितना गुना है ये, 8000 गुना, 6000 गुना। कोरोना के टाइम में सबसे पावरफुल लोग क्या बोले, विटामिन सी खाओ, सी खाओ, सी खाओ, और उस सी से 6000 गुना पावरफुल एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है एस्ट्राजेंसिन। नाम पढ़ने में भूल जाना, स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में सीखने में एक हफ्ते लग गया था, क्या लिखा है एस्ट्राजेंसिन, क्या कुछ समझ नहीं आता था इसकी स्पेलिंग बोलने में। ओके, तो हमारी कंपनी ने इसको लिया। अच्छा, ये क्यों लिया, क्योंकि हम भी चाहते थे, क्योंकि मैं जिस कंपनी से आया था उस कंपनी में मैं इसको पहले से बेचता था, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट था। 2150 रुपए में 2 mg कैप्सूल आती थी, सिर्फ 2 mg का कैप्सूल, 2350 की 60 कैप्सूल, मैं खुद इसको बेचता था 2018 के पहले, बात कर रहा हूँ। तो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया ब्रेन फ्यूल। इन्होंने क्या किया, पहले इसमें डाला जिनको बिलोवा जिनसे। मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लोग बोलते हैं, वो कंपनी दोनों को डाल के बेचती है 3200 रुपए का, ये दोनों डालने से, जिन साइबेरियन जेंसिन नाम से प्रोडक्ट आता है उस कंपनी में, जे ऐसा जेंसिन बता रहा था 2300 रुपए की तुम्हारी पुरानी कंपनी में ही थी, जबकि हमारी पुरानी कंपनी में था 2 mg, हमारी कंपनी ने इसमें डाल रखा है 3 mg, यानी कि लगभग 50% ज्यादा कंपेयर टू दैट प्रोडक्ट। और बच्चों का कोई भी ड्रिंक हो, चाहे वो आपका हॉर्लिक्स हो, चाहे बूस्ट हो, पढ़ना उसमें लिखा होगा विद DHA, क्योंकि DHA ब्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, हर जगह पाई जाती है। हमने देखा कि इतने का सिर्फ कॉस्ट निकाला जाए तो इतने का प्राइस क्या जाएगा, तो इंडिया के अंदर में मिनिमम 3 से 6 हजार तक जा रहा था, और विदेशी कंपनियां इतनी चीजों का 9000, क्योंकि आप कल्पना करो सिर्फ ये तीन ही चीज मिला दो, अभी भी इंडिया में आपको 5000-5000 का मिल रहा है, 2000 डब्बे में डाल दो सर। हमने ब्रेन के लिए वही सेम काम कि ब्रेन के लिए कोई विदेशी कंपनी क्या देती लिखो पहले, कोई इंडियन कंपनी क्या देती उसको भी लिखो, बाबा राम के बोलते हैं इंडिया सोलेंडा खाओ ब्रेन से ही हो जाएगा, उनको भी लिखो। जितनी चीजें बाबा रामदेव और डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ, ABCDFGH जो इंडिया के टॉप 10, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां बोलती है ब्रेन के लिए, सबको लिखा हमने, और सबको लिख के इकट्ठा किया, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, नाम रखा ब्रेन फ्यूल। आप सिर्फ 999 में डेट चेक करो, इसका इंग्रीडियंट चेक करो। हम इसलिए अच्छे नहीं है कि हम अच्छे बोलते हैं, हम इसलिए अच्छे नहीं कि हम अच्छे बोलते हैं, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। यदि आइब्रुफेन जाएगा, ब्रुफेन से में दर्द कम करेगा, पैरासिटामोल बॉडी में जाएगा तो बुखार उतारेगा। तो कोई भी कंपनी का नाम काम नहीं करता, इसमें क्या मिला है काम तो इसी को करना है। आप किसी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट चेक करो, यदि जानकार कोई है आयुर्वेदा वाला कोई डॉक्टर उसको दिखाओ, पूछो भाई साहब दाम कितने होने चाहिए, कोई विश्वास नहीं करता दोस्त। आज भी जब कोई जानकार आपके मेरे प्रोडक्ट को रेट देता है तो बोलता है भाई साहब बस लिख दिया है कि मिलाया भी इसके अंदर, उनको डाउट होता है कि इतनी चीजें 999 में कोई कैसे बेच सकता है, क्योंकि लोग 6-6 हजार 8-8 हजार का सामान बेच रहे हैं। हमने दोस्त स्पेशलाइजेशन पे काम किया, हमने ये बोला यदि आपकी दिक्कत हो तो आपके लिए जो भी सप्लीमेंट कोई बोलता है लुटी इंडिया जेंटिन बेटा कैटिन सबको उठाओ, मार्केट लोग बोल रहे हैं 2000 से 6000, हम लेते 700 रुपए ले लो हमसे, सिर्फ 699 में आई फ्यूल आपके लिए।
हमने सप्लीमेंट में कैसे काम किया, आंख में दिक्कत आई फ्यूल, ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लीवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, स्किन फ्यूल, जो ऑर्गन की प्रॉब्लम हो, जो ऑर्गन को आपको मजबूत करना, सीधे उसी का फ्यूल। वी आर द पहली कमी इन द वर्ल्ड जिन्होंने टारगेटेड न्यूट्रिशन पे काम किया, यानी जो ऑर्गन में दिक्कत सीधे स्पेशलाइजेशन उसके लिए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइंटिस्टों की टीम देवर से थी, आज भी है, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया। आज कोरोना के टाइम में भी इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम लोग तो लीजिए हमसे 700 रुपए की इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए। पता है कल्पना, कई कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम करती हैं, कुछ नाम नहीं लूंगा यहाँ से, और इसके आधे इंग्रीडियंट आके बेचती हैं सिर्फ 1500-1600 रुपए का प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट, बोलेंगे यही 300 रुपए में काम करेगा, हमसे 600 रुपए का आपका दिक्कत है। हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, हमने तैयार किया। हमारा सीरियसली पर्पज ये था कि जो एफएमसीजी है डेली इस्तेमाल के सामान, वो कंपेयर करना है आपको बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, ट्रेडिशनल मार्केट से, लोकल बनिए से। और जब बात करेंगे सप्लीमेंट का, तो दुनिया की बेस्ट आप बोलते उनको ले लो, जो इंडिया के बेस्ट है उनके ले लो, सबको मिला दो, अब हमसे कंपेयर करना शुरू करो। तो दोस्त कोई तोड़ है ही नहीं ना, जिस चीज पे आपको काम करना है यदि वो अनमैच्ड रहे, वो मिले ही नहीं मार्केट में, तो आप बहुत बड़ा व्यवसाय क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की गवर्नर ने मार्च में हमें नेशनल लीडरशिप अवार्ड दिया हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दी गई है, कोई प्राइवेट संस्थान से नहीं, हमें अवार्ड दिया गया। एजेंडा तो बहुत क्लियर था कि जब तक सेल नहीं होगी तब तक पैसा आ नहीं सकती, तो सेल करने के लिए वो सामान होना चाहिए जो किसी के पास हो नहीं, या हो तो हमारे प्राइस में ना हो, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे पहला पार मार्केट रिसर्च हमारा बहुत मजबूत था और हमारा कंपटीशन है ट्रेडिशनल मार्केट से। नंबर दो दोस्त, इस कम टाइम के अंदर क्या अचीवमेंट लेके हम लोग आए, तो अचीवमेंट की दोस्त बात किया जाए तो एक आदमी यहां पर 42-40 लाख में एक इनकम पार कर चुका है, मजे की बात। और मजे की बात कि आप लोग के आशीर्वाद से वो शख्स मैं हूं, लेकिन हुआ था मेरी इस कंपनी की इनकम जो थी वो थी अक्टूबर के पे आउट, तो 2600 रुपया 42 लाख का था इस कंपनी में, यानी कि 2 साल 2 महीने, 2 साल के अंदर, 2 साल होते मेरी 40 लाख प्लस की इनकम इस बारे में चली गई, जो हाईएस्ट थी, राइट। लाइक ऐसे 3 लोग की इनकम 20 लाख से ऊपर, वैसे 11 लोग की इनकम 10 लाख से ऊपर, वैसे सैकड़ों हजार लोग 1 लाख महीने से ऊपर हो चुके हैं। यानी कि आप कल्पना करके देखो, होगा कह रहे मेरे टीम में इस समय 16 लिखा है यहाँ पे, बट 16 नहीं, लगभग यहाँ पे 24 लोग मेरे टीम में अपने इसमें फ्लैट या घर खरीद चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी का नारा है कार से पहले घर। कुछ कंपनियां ऐसी है कि जैसे तो 4 लाख महीने आए, बोले ऑडी ले लो, BMW ले लो, हमारे बोलते हैं ना पहले घर लो उसके बाद कार लेना। तो लगभग 24 से ज्यादा, और घर कौन से छोटे मोटे नहीं, कोई 1.25 करोड़ का, कोई 1.25-2 करोड़ का, ऐसे लोग घर ले, ये सिचुएशन है, राइट। इसके बाद में इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हम इस समय, इंडियन कंपनी बात कर रहा हूं पे आउट के मामले में, क्यों? क्योंकि 42 लाख महीने के पे आउट इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनियां टच की है इसके ऊपर, बाकी सारी 30 लाख के आसपास घूम रही है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हम हो चुके हैं इतने कम टाइम के अंदर में। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंपनी ने कुछ डेवलपमेंट किया या बस फिर इसी तरह है प्रेजेंटेशन में। दोस्त तो कि आज हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी पुरानी ऑफिस है, और जिसके अंदर कंपनी ने लगभग 62 रूम का होटल बना रखे हैं पीछे, जो भी स्टाफ नहीं है, और आगे के एरिया में ढेर सारी फूड कोर्ट, वहां हमारी पहली ऑफिस थी, और जो भी हम क्लोज कर चुके हैं, जो भी फिर से हम खोलेंगे 6-7 महीने का, क्योंकि उसका अभी थोड़ा सा बिल्डिंग बन रही है फिर से नहीं, रास्ते में कल बड़ी से जगह से आपने देखा था आते समय, जो करंट ऑफिस है 2.25 एकड़ की है, इस ऑफिस जिसमें अभी हम हैं, तो 2 ऑफिस हमारी अपनी हो गई, भाड़े किराए की नहीं है। नंबर 3, आज हमारे पास 550 से ज्यादा ऑफिस पूरे इंडिया में खोल चुके हैं, स्टॉक पॉइंट्स जहां से आप सामान ले सकते हैं। आज डेट में हमारे पास 10 वेयर हाउसेज हैं जिनमें 2 कंपनी की मदर वेयर हाउस है। आप कल्पना करो कि ये जो वेयर हाउस का साइज देख रहे हैं, ये यहाँ के बाद इतने बड़ा फिर पीछे है, ये आज आप देख पा रहे हैं सिर्फ,
यानी आज 250 से 300 करोड़ महीने का टर्नओवर करने के लिए सामान कहां रखना होगा, 6 महीने का स्टॉक बराबर जगह है, क्योंकि कंपनी बड़ी करनी चाहती है यदि तो उसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मुंह से बोले बड़ा नहीं होता। तो आज 250-300 करोड़ महीने तक हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, और टर्नओवर है कितना 20-25 करोड़ उसके, अभी 15-25 करोड़ महीने टर्नओवर कंपनी चलती है, हम तैयारी 250-300 करोड़ का करके बैठे हुए हैं। ये कंपनी के विजन को दर्शाता है। हमारी प्लानिंग इससे कि अपना आज हमारा अपना खुद का अपना लैब है, हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हम लगा चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर अंदर। रियल में ये सब प्लांट 1.5-2 साल हुआ है, कोरोना जैसे शुरू हुआ तब से हमारा फैक्ट्री बननी शुरू हुई, ऐसी टाइम तैयार हुआ है। आज हमारी कंपनी इस साल 5 कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने की तैयारी करके बैठी हुई है, जिसमें बैंगलोर और गुवाहाटी, गुवाहाटी का ऑफिस देख भी लिया, बस साइन करना बाकी बचा हुआ है। तो ये सब चीजें जो हमने 4 साल में की है, और जो मैं बता रहा हूं ये चीजें भारत की एक भी कंपनी ने बस 4 साल में नहीं किया था, ये बड़ी बात है, राइट। लास्ट कंपनी के सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसे कंपनी काम कर रही है। तो दोस्त 100 से भी ज्यादा इंप्लॉई इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। आज मैं हमारे पास बात करूं तो 4 साल के अंदर एक कंपनी सिस्टम ड्रिवन कंपनी हो गई। सिस्टम ड्रिवन मतलब विजय माल्या देश छोड़ के फरार है 5 साल से, है ना? Yes. हमारे देश की जनता पुलिस को खोज रही है, भगोड़ा घोषित है, लेकिन फिर भी विजय माल्या की कंपनी किंग फिशर का पानी का बोतल तो वैसी सिलो है मार्केट में। Yes. किंग फिशर के बियर आते हैं वो तो वैसी सिलो है मार्केट में। यानी कि विजय माल्या तो भाग गया, उसकी कंपनी आज भी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी खुद नहीं चलाते थे, उनका कंपनी सिस्टम ड्राइव करता था, उन्हें टीम बना दी, सिस्टम बना दी, वो रहे न रहे उसकी कंपनी चलेगी। मुकेश अंबानी रहे न रहे उनकी कंपनी चलेगी, टाटा रहे न रहे उनकी कंपनी चलेगी, भटा रहे उनकी कंपनी उनकी चलेगी, क्योंकि सिस्टम ड्रिवन है। जब तक कोई काम आपके भरोसे होता है आप अभागे हैं, आप रिच नहीं हो सकते। जब आप यहां से 2-4 साल घूमने चले जाए और घूम के वापस लौट के आए तभी आपको इनकम वैसे ही आती रही, अब आप रिच बनते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ड्रिवन। दोस्त आज हमारी कंपनी में ऑपरेशन की टीम अलग है, ऑपरेशन हेड अलग है, हमारे पास कस्टमर केयर की टीम, कस्टमर केयर की हेड अलग है, हमारे पास लॉजिस्टिक यानी सप्लाई चेन सप्लाई टीम के हेड अलग है, आईटी की टीम अलग है, हमारे पास में यहां तक एचआर की टीम अलग है, अकाउंट की टीम अलग है। यानी कि आज हमें किसी काम के लिए अपने अप्लाई को नहीं फोन करना, हमें किसी काम के लिए कंपनी के सीईओ को नहीं फोन करना, हमें कस्टमर केयर में फोन करना, मेल करना काम हो जाता है। ये नहीं कि अपने अप्लाइंट को फोन कर दो काम लगा लो, ऐसा नहीं। और बता दूं आपको कि सिस्टम ड्रिवन कंपनी करने में किसी भी कंपनी को 8 से 10 साल लग जाते हैं, और 4 साल में हमारी कंपनी हो चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि आज जो काम एक नया आदमी जुड़ के करवा सकता है हमारी कंपनी में, वही काम हम भी करवा पाएंगे। यदि कोई काम आप नहीं करवा सकते तो मुझसे भी नहीं होगा, होगा तो आपके लिए वही समय, मेरे लिए वही समय, बस आप मेरे में एक ही अंतर दोस्त कि आपका काम होगा 10 दिन में, होता मेरा हो जाए 10 मिनट में, ये हो सकता है क्योंकि मुझे सारे जानते हो वहां पे। तो आपका नंबरिंग के हिसाब से होगा, मुझे अगर मैं फोन कर दूं भाई मैं होल्ड पे हूं अभी कर दूं भाई अर्जेंट है, तो ये हो सकता है कि सारे जानते हैं ऊपर के हम लोगों को तो जल्दी हो जाए, लेकिन होगा वही जो आपसे होगा, आपसे नहीं तो मुझसे नहीं होगा। तो आज सिस्टम ड्रिवन कंपनी दोस्त हो चुकी है सिर्फ 4 साल के अंदर में, और यही किसी कंपनी को बड़ा करती है, हम आप बड़ा नहीं करते, सिस्टम बड़ा करता है, राइट। आज आप उदाहरण देख लीजिए, 3 साल के अंदर में 100 से ज्यादा लोग मिलेनियर हैं इस कंपनी के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। 100 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी इनकम 10 लाख पार कर चुकी है सिर्फ 4 साल के अंदर में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में। ये इन्वेस्टमेंट प्लान में तो होता आया था दोस्त, लेकिन जेन्युइन कंपनी में आज तक देखा नहीं गया भारत में, बट हमने इतिहास बनाई। आज मैं अपनी बात करूं तो मेरी लगभग 60-50 लिखा है प्रेजेंटेशन बनते बनते 10 मिलियन और बढ़ गए, तो लगभग 60 मिलियन 65 मिलियन से ज्यादा इनकम इसमें आ चुकी कंपनी में सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी बात है किसी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंडिया में। 170 लिखा है 182 के लिए। आज हमारे पास में 500 ज्यादा स्टॉक में बता चुका हूँ। आज मेरे हाउसेस 2 फैक्ट्री मदर बैंड बता चुका हूँ। 7 लैंग्वेज कन्नड़ा तेलुगु मलयालम यहाँ पर ट्रेनर है, इनकी ट्रेनिंग जब भी आप चाहे आप प्लान कर सकते हैं उस लैंग्वेज पर ट्रेनिंग के लिए, राइट। आज हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होती, कोई तुरंत खा जाएगा उसकी आईडी बीच में घुस जाती है, इंडिया में बहुत चलता है सब चीजें। हमारे कोई कितना बड़ा चेहरा क्यों ना हो सबसे नीचे उसकी आईडी लगेगी, 0 से उसको काम करना शुरू होता है, ये नहीं बीच में कोई घुस जाए, राइट। साथ में ये गवर्नमेंट
साथ में कंपनी 18 महीने के अंदर क्या की है, देखो किसी आज आप लोग जो हो, आज आप जो भी होगा, ये रिजल्ट है पिछले एक साल डेढ़ साल का। यानी पिछले एक साल पहले आपने क्या किया, घर में चाह के सोए हुए थे तो हालत खराब हो गई, या आपने खूब जम के काम किया तो स्थिति अच्छी होगी। यानी आज आप जो भी हैं, पिछले एक साल पहले आपने क्या किया तो उसी रिजल्ट होंगे, और अगले साल मतलब क्या होंगे वो डिपेंड करेगा आज या अगले छह महीने क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो हम बोएंगे वही काटेंगे 7-8 महीने बाद अपने पास साल तक। और पिछले 18 महीने में हमने जो काम किया है, यदि उसको कोई ध्यान दे दे, तो पिछले 18 महीने हमने 2 फैक्ट्री बनाई है कोरोना के टाइम में। ध्यान देना, 18 महीने पहले हमारे पास एक भी वेयर हाउस नहीं था, पिछले 18 महीने में 10 वेयर हाउस बनाए, पिछले 18 महीने में अपनी लैब बनाई, पिछले 18 महीने के अंदर हमने स्वीट ब्रिज का पूरा नया रेंज लॉन्च किया, पिछले 18 महीने में सारे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग यानी कि उसके डब्बे पैकिंग सब चेंज कर डाली। पिछले 18 महीने के अंदर में हमने हर वो बड़ा काम किया है जो पहले 3 साल में नहीं कर पाई थी। यदि लाख करोड़ में पिछले 18 साल में इतनी बड़ी एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट की है, इतना बड़ा कुछ किया है दोस्त, तो अगला 18 महीने क्या होगा वो कल्पना बस करना। यदि जब लाख करोड़ में कंपनी फैक्ट्री ऑफिस वेयर हाउस पे काम कर चुकी है, तो अगला जब 2-3 साल मार्केट खुलेगा तो हम क्या करने वाले हैं, ये तय करेगा अगला फ्यूचर। आप उसके हिस्सा होंगे नहीं होंगे तो ये आपको डिसीजन लेना है। तो ओके लाइफ तो करना है, लेकिन कैसे, बहुत सिंपल दोस्त, सिर्फ रियल कंज्यूमर बेस्ड सेल करके। ये होता क्या दोस्त, सिंपल, हमारी कंपनी बोलती है कि हम कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी होंगे ना कि लीडर ड्रिवन कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा देखा गया है कि किसी के लाख रुपए 2 लाख की इनकम आ रही है, एक टीम भाग के इनकम आ गई सिर्फ 20,000-10,000। ऐसा क्यों होता है, ये लीडर टीम तोड़ता टीम उठा करके चला जाता है। हमारी कंपनी टारगेट तो होती है कि 2025 जाते जाते हमारी कंपनी किसके ड्रिवन होगी, कंज्यूमर ड्रिवन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट पे जिस क्वालिटी में जो पैकिंग हम सामान देंगे, तो कोई आपका डाउनलाइन का धमकी नहीं दे सकता कि मैं भाग दूंगा छोड़ के। वो धमकी देगा भाग जाए, कस्टमर नहीं रहेगा, भाग जाओ क्या करेगा भाग के। हमारे साथ हुआ भी 80 महीने में, कुछ लोग गए छोड़ के हमें, लेकिन उनका 82-91 बिजनेस यही पे, उनके जाने का रुपये चीन नहीं उनके साथ। क्यों, बोले सर कहे जहां चले जाओ इस पैकिंग में सामान दे ही नहीं पाओगे, बिना सामान के बिजनेस कैसे आएगा। समझना इस चीज को, यदि कस्टमर जो कंज्यूमर है यदि वो खुश है। मुझे याद है कि कंपनी के लीडर थे, मुझे बहस करे चिंदी ऐसे चिटनी चूरन कंपनी आती जाती रहती है, तो मैं जल्दी गुस्सा नहीं कर रही हूँ कि वो टच कर गया, मतलब नहीं आ रही चटनी चूरन ऐसी कंपनी नहीं बोल सकते। बोला सर बिल्कुल, हम देखो 16 साल से काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसे क्या बात कर रहे हो, हम तो ऐसे मसल कर लेकिन मच्छर ऐसे मसल ना, गजब गजब की बात है। मैंने कहा दोस्त मेरा ओपिनियन चले जाए, अपनी टीम तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे टीम तोड़ दोगे जी, हम तो तोड़ दूंगा, क्यों तोड़ूंगा बताता हूँ। जाकर अपने मम्मी पापा से आप लोग पूछ रहा, बस की बात कर रहा हूँ कि मम्मी ITC का नाम जानती हो, नहीं जानती। पूछो मम्मी क्या यूनिलीवर का नाम जानती हो, नहीं जानती। फिर पूछो लक्स जानती, बोलेंगे हाँ। लाइब्रा जानती हो, हाँ। लैक्मे जानते हो, हाँ। डब जानते हो, हाँ। ये सारा बनाता कौन है, यूनिलीवर। यानी 150 साल हो गया लक्स को चलते हुए, लक्स 150 साल पुराना ब्रांड है, 150 साल से लक्स बेच रही है मार्केट में कंपनी। लक्स सारे जानते हैं लेकिन कौन बनाता है यूनिलीवर का नाम को नहीं जानता। यानी कस्टमर को कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को दोस्त एक ही मतलब है, कितने रुपए का है, कैसी क्वालिटी। मैं सही हूं? Yes, yes. मैंने कहा दोस्त आपकी टीम तोड़ दूंगा। क्यों, आप जाके सबको सिखाते हो राइस ब्रैन ऑयल खाओ, हार्टवेयर रुकेगा। हम जाके बोलेंगे 50 रुपए सस्ते लो, हमें जो खाने खत्म करो। हमें नहीं समझना कि RPO क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है। आपका काम सिखाओ लोगों को आराम से, जहां सिखा के आओगे वहां हम जाएंगे 6 महीने बाद, बोलेंगे बिल्कुल सही, आप 1300 क्यों, 1400 50 रुपए सस्ते हमसे दे लो सर, काम खत्म। आप बोलोगे साबुन का TFM होना चाहिए अच्छा, आप बोलोगे TFM अच्छा, हम बोलेंगे बिल्कुल सही TFM होना चाहिए, तो काम करो जो आप यूज करो सिर्फ 2 पॉइंट ज्यादा TFM ले लो और 10 रुपए सस्ता ले लो हमसे ले लो। आप जब तक आपके मोहल्ले में, जब तक आपके एरिया में ओके लाइफ की टीम नहीं है, मजे ले लो। जिस दिन टीम आई
आपके कंज्यूमर के पास हमारे लोग जाएंगे, बोलेंगे 23-50% साबुन 10% हर सामान आपको बेहतर क्वालिटी, जानना सेम क्वालिटी नहीं, बेहतर क्वालिटी, बेहतर पैकिंग और कम से कम 40% सस्ता। क्या कस्टमर बोलोगे नहीं? सोच के देखो, अब आदमी कंफ्यूज, लेकिन गाँव में तो भाई साहब सुने नहीं। अरे मैं तो बोल के निकल गया, लेकिन जिसके साथ मीटिंग कराया था वो सीरियस हो गया। बस सर को भेजी थी क्या, मैं बता दूंगा। और उसने क्या क्या खोज खोज के कस्टमर उसके तोड़ने सुन के सच में फाइनली वो भाई साहब वो कंपनी छोड़े। ईगो में थे, हमारी कंपनी नहीं आया, दूसरी में चली गए, बट वो कंपनी उनको छोड़ने के लिए। पता है क्यों? जो कस्टमर जिसका बिजनेस, कस्टमर भगवान ने कस्टमर बनाया है ना। तो हमारे हिसाब से कंज्यूमर ड्रिवन एक ऐसी कंपनी जिसको ड्राइव करेगा कौन? कंज्यूमर, ना कि लीडर। लीडर को थोड़ा सा घुस मिल गया इधर उधर पड़ जाएगा, क्या भरोसा? लेकिन जब कस्टमर यही रहेगा तो कल आपकी टीम के बॉटम के लोग कभी आपको धमकी नहीं सकते, सब टीम छोड़ दूंगा, छोड़ो कस्टमर नहीं, छोड़ो जरा। तो कस्टमर को प्राइस चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और वहां हमने काम किया, कैसे काम किया? सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी पैकिंग और क्वालिटी को बेहतर किया। नंबर दो, हमने क्या किया, हमने टीवी एड शुरू की। जैसे रणदीप हुड्डा हमारे ब्रांड अम्बेसडर है, एक ब्रांड के इसका नाम है क्या, बेटर यू। टीवी में हर म्यूजिकल हमने ऐड दिया कायदे से। हमने दूसरा ब्रांड अम्बेसडर लिया गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ, इनका भी ऐड आ चुका है। टीवी एड को पब्लिसिटी नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि हर न्यूज चैनल पे लॉकडाउन जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव के बाद हम हर न्यूज चैनल पे आज तक से लेकर रिपी सब पे इसका ऐड जाना शुरू करेंगे, इसे रोक रखा है। बाकी टूथपेस्ट का ऐड के लिए हमने साइन कर रखा है, मसालों का ऐड हमने साइन कर रखा है। हम लगभग 9 ब्रांड अम्बेसडर लेके आने वाले हैं फ्यूचर में, अगले 1 साल के साथ। कस्टमर के रूप में मत भूल जाओ नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक कस्टमर हो, आपके घर में दिन भर प्रचार चल रहा है, कोई ये ऐड कर रहे हैं, कोई शाहरुख खान की वाइफ ऐड कर रही है, कोई और दूसरे एक्टर्स ऐड कर रहे हैं, और आप मार्केट में जाते हो और हाथ में देखते हो तो उसकी पैकिंग क्वालिटी भी खूबसूरत लगती है। भाग उठाया अपने को, कोई सामान का सेल कैसे होता है, दाम तो आदमी जब देखेगा तब पता चलेगा। सबसे पहले आदमी दुकान में जाएगा, कुछ चीजें क्या पैकिंग है, पैकिंग देखिए आप हाथ उठा लेते हैं, कितना खूबसूरत है। पहले आप लुक एंड फील देखते हो, नंबर दो पलटोगे अच्छा कितने रुपए का है, आप देखोगे प्राइस, सेकंड फैक्टर प्राइस समझ में आएगा तब घर लेके जाओगे, तीसरा होता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी होगी तो दोबारा खरीदेगा, क्वालिटी नहीं तो एक बार पास सेल खत्म। यानी पहले लुक एंड फील, दूसरा प्राइस, तीसरी बार आदमी जब खरीदेगा तब तो क्वालिटी चेक करेगा। तो हमने क्या किया, पहले पार्ट में मजबूत काम किया कि हमने लुक एंड फील को बहुत ही प्यारा बनाया इंटरनेशनल क्वालिटी का। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में लॉगिन कर रही हैं, आप उनके फेस वॉश उठाना, उनके शैंपू उठाना, उनके बॉडी वॉश उठाना और हमारा रखना, हम भारी पड़ते हैं। बराबर नहीं पड़ते, हम भारी पड़ते हैं। जब इंटरनेशनल क्वालिटी की पैकिंग हो गई और लुक एंड फील हो गया तो कस्टमर देख के खुश है, यूजर भी खुश है। नंबर दो, हमने प्राइस पे काम किया, लोकल मार्केट रेट पे, वो और खुश हो गया। तथा तीसरा हमने काम किया कस्टमर को, यदि 2000 का सामान खरीदारी करोगे 6 महीने तो 2000 कौन फ्री देंगे? अब बनिए तो 2000 का मिठाई छोड़ो, 200 का मिठाई देते 6 महीने के अंदर? अब वो कस्टमर ना क्यों बोलेगा? फिर हमने करा एक काम करो, 2000 छोड़ो 5000 का ले लो। मतलब भैया 5000 मेरी खपत है नहीं, हमको जब लेने आओगे ना एक पड़ोसन का और ले लो सामान, और क्या घर दे देना उसको। यदि 5000 का 6 महीने दोस्त लेते हो तो हर 6 महीने बाद आपको 10000 का सामान फ्री मिले, ध्यान देना। आपको कस्टमर दोस्त बोलेगा बताओ, हमारे कुछ MBA लड़के थे बनारस के अंदर, उन्होंने दिमाग लगा दिया, दिमाग क्या निकाला दोस्ती, हमें बात मालूम है एक्चुअली, उन्होंने ऐड दे दिया। ऐड क्या दिया बताता हूँ आपको, उन्होंने ऐड क्या दिया, ऐड यह दिया कि आप 6 महीने का इंटर्नशिप करो। कितने महीने का? 6 महीने का आपके इंटर्नशिप, फ्री में नौकरी करो, सिंपल शब्दों में सिखाऊंगा आपको। 6 महीने बाद आपको 15-20 हजार महीने का नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। अब जितने बेरोजगार के फूट पड़े, हम भी करेंगे, घर बैठे जाकर सीखेंगे, सिखाया क्या? उन्होंने बोला कि 1 महीने में कम से कम 5000 वाले, ध्यान देना, 1 महीने में 5000 वाले कम से कम 2 कस्टमर लाने हैं। 2 कस्टमर यदि हर महीने 2 कस्टमर लाते हैं तो 6 महीने में कितने कस्टमर होंगे भाई साहब? 12। 6 × 2 कस्टमर, हमने 12 कस्टमर हर महीने कितने आए थे?
दो, यानी कि हर महीने 5,000 वाले दो प्रश्न बतलाना था पूरे 30 दिन में। तो हुआ क्या कि 6 महीने बाद जो 5,000 का सामान लेता है उसको 10,000 का फ्री मिलता है। तो यदि 10,000 का सामान गया 1 महीने में तो 6 महीने बाद कितने का फ्री मिलेगा? 20,000 का। क्योंकि जो लोग 5,000 का सामान खरीदेंगे 6 महीने उनको फ्री कितने मिलता है? 10,000 का। यदि एक कस्टमर में 10,000 का फ्री, दो कस्टमर कितने का फ्री? 20,000 का फ्री। अब इसने हर महीने दो कस्टमर बनाए थे तो 6 महीने बाद हर महीने कितने सामान फ्री मिलना शुरू हो गया? 20,000 का। बोले बेच के तुम्हारा 75 खाई। 20,000 महीने सैलरी। कैसे सैलरी? उनको काम क्या करना थी? 12 कस्टमर को होम डिलीवरी देनी थी। तो आपसे पूछता हूं कि 12 लोगों के लिए 5,000 का सामान देना हो सिर्फ, तो कितना दिन लगेगा उनके घर पहुंचाने में? 1 दिन? 1 घंटा? उड़ के जाएगा 2 दिन? अरे 12 लोगों के घर पर आपको सिर्फ 55,000 का सामान पहुंचानी है, 5,000 सामान कितना हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा छोड़ो। तो 5,000 का सामान यदि 12 लोगों के घर पर डिलीवर करना हो तो आपको अधिकतम कितना लगेगा? 2 दिन। तो महीने में सिर्फ 2 दिन काम करना है, बदले में कितना महीना मिल रहा है उसको? इससे भी आसान तनख्वाह चाहिए किसी को? क्या नहीं सुन रहे क्या? हमारी कंपनी का एक ऑफर है, यदि कोई 5-4 महीने लगातार 6 महीने खरीदारी करे तो उसको सामान 10,000 का फ्री मिलेगा हर 6 महीने। इन लोगों ने क्या किया, 55,000 वाले दो कस्टमर हर महीने निकाले लेकिन उनको स्कीम नहीं दिया। इनका काम है उनके घर पर होम डिलीवरी देना। भाई कोई आपसे सामान क्यों लेगा 5,000 रुपए का? उसको घर में बैठे हुए सामान मिल जाता है बिना कुछ किए। तो उनको लगा भाई घर पहुंच जा रहा है, मार्केट क्वालिटी अच्छी है, पैकिंग अच्छी, करो ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि दो कस्टमर को हर महीने लिया तो 6 महीने बाद उनको उन दोनों कस्टमर का 20,000 सामान फ्री मिलेगा। तो 12 कस्टमर बनाए तो 12 कस्टमर हर महीने दो कस्टमर तो 6 महीने बाद उनको 20,000 महीने का सामान फ्री मिलना शुरू हो गया। जिसको बेच के तनख्वाह मांगो उसको नहीं होती। इससे हुआ क्या कि आपको सिर्फ 12 लोगों के घर पर सामान पहुंचाना है जो 2 दिन में हो जाना है और बदले में आपको 20,000 महीने मिल रहा है, बीच में ऑफर स्कीम सब कुछ छोड़ के। नतीजा कुछ लड़के का काम ही सीख रही है कि उनको 20,000-30,000 महीने बस इसी कमाते हैं। कंसिस्टेंसी शुरू कर लो, कल्पना करो आप सिर्फ 2 दिन काम करके इतना महीने की इनकम क्यों? क्योंकि दो इसके हमने क्या बोला, एक तो आपको टीवी में ऐड आ रही है, नंबर 2 हमारी क्वालिटी पैकिंग अच्छी है कंपेयर टू मार्केट, साथ में रेट मार्केट का है, नंबर 3 हर 5,000 पर 10,000 पाउंड फ्री मिलेगा। और कोई भी लेडीज क्यों नहीं लेगी? हम तो लेडीज क्या साबुन में 20,000 बचा लेते हो? आप लोग जो पति देते हैं साबुन तेल मसाले के लिए नहीं बचता ना, तो उनसे वही पैसा लेना है। सिर्फ हमारा सामान लेते ही आपको साल में 20,000 पाउंड मिलेगा फ्री। तो 20,000 का सामान फ्री मिला, इन पति से तो 20,000 लोग ही ना यहाँ भी खरीदारी कर ली, तो 20,000 बच गया करोड़ों करोड़। आप इसको जैसे समझो, हमने एक माँ को बोला कि जब हमारे यहाँ से खरीदारी करें महीने का सामान तो आपके बच्चे का ट्यूशन फीस फ्री। बोलते भैया वो कैसे? अगर भी 1500 महीने का ट्यूशन फी आएगा ज्यादा तो 6 महीने का फीस कितना हुआ? 9,000 रुपए। हमारा 10,000 सामान फ्री मिलेगा, वो भी ट्यूशन फीस फ्री, तो क्या दिक्कत है? समझने के तरीके में है कि यदि बच्चों का ट्यूशन फीस फ्री हो जाए सिर्फ दुकान बदलने से तो तकलीफ क्या है? और वो भी उस कंडीशन में जब रेट महंगा ना हो, रेट मार्केट का ही हो। हमने ये किया, हम यही नहीं रुके, हमने हर महीने 30% से लेके 100% का एक्स्ट्रा ऑफर देते हैं। जैसे 2 टूथपेस्ट लो 2 फ्री, अभी 100% का ऑफर हो गया। 5,000 का सामान लो 3,000 का सामान फ्री, 1500 का सामान लो 800 का सामान फ्री। इस टाइप का ऑफर एक्स्ट्रा हम देते हैं जो कस्टमर, अभी मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कस्टमर कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। ये फ्री सवाल है, उस केस में कोई व्यक्ति हमसे सामान क्यों नहीं लेगा? अगला एक साल हम शुरू करने जा रहे हैं अपने शोरूम्स, ये स्वीर ब्रिज के हमारे स्टोर्स हैं, डिजाइन सेम टू सेम पूरे इंडिया में खोलने जा रहे हैं हर प्राइम लोकेशन पे। जैसे मान लीजिए गंगानगर में है तो गंगानगर जो मेन मार्केट होगी जहां क्राउड आती होगी वही खुलेगा, ऐसा नहीं गली मोहल्ले घर में नहीं खुलेगा, कंफर्म है। तो हर शहर के अंदर में कंपनी 25 लाख से 35 लाख के बीच का जो स्टोर ओपन कर रही है, करवा रही है, क्यों? कि जब मार्केट में जाए, टीवी में ऐड चल रहा है और मार्केट में जाते आपको शोरूम नजर आ गई तो आदमी सेल करेगा ही करेगा। इतने सारे ऐसे ब्रांड है जिसका नाम आप लोग नहीं जानते लेकिन जब शोरूम में जाकर खरीदारी हो जाती है एग्जैक्टली वैसे। तो ये हमारी अगले एक साल की प्लानिंग है, हालांकि इस साल से शुरू हो चुका है क्योंकि हमारे पास में 3 की बुकिंग अब तक आ चुकी है, जो लोग लेना चाहते हैं। तो ये हमारे हो गए। तो आज मैंने 4 पार्टनर
में बात किया आपसे, पहला मार्केट अंडरस्टैंडिंग, हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सामने क्यों नहीं टिक सकती, क्योंकि प्राइस, क्वालिटी और साथ में आपकी पैकेजिंग, इन तीनों पे हम बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं किसी कंपनी से, इसलिए मार्केट सर। नंबर दो, हमने ये देखा कि जो अचीवमेंट हमारे हैं वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री के, अब तक इतने कम टाइम में अचीवमेंट किसी के आए नहीं। नंबर तीन, हमने बात किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 18 महीने में फैक्ट्री, वेयरहाउस, लैब, इतनी बड़ी बड़ी काम किए, बनाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि किसी को डाउट हो तो पहले हेड ऑफिस विजिट करें, चीजों को देखें, उसके बाद शुरू करें, कोई जल्दी नहीं है। नंबर चार और लास्ट, वो कंपनी का सिस्टम और मैनेजमेंट, कि कंपनी एक विजन पे काम कर रही है अगले 2 साल 3 साल 4 साल में क्या करने वाली, कुछ चीजों को लेके हमारा सीधा सीधा एजेंडा है कि एक आदमी को सर्वाइव कराना। और हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट निकाला, यदि किसी को 5 लाख से लेकर 10 लाख कमाना तो बहुत वो तो आ ही जाता है, सबसे छोटी अमाउंट की बात करते हैं, यदि मात्र कोई 25,000 का बिजनेस लेके आ जाए दो टीमों से, तो ही उसकी 7 से लेकर 10 हजार के बीच में इनकम आ जाती है, काम खत्म सेट। एक गांव का आदमी, आप कल्पना करो कि एक चौकीदार 10 से 12 घंटे खड़ा रहता, नौकरी करता, तनखा कितनी आती है, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 बस। एक चपरासी 8 से 10 घंटा प्यून को कोई जॉब करता, तनखा कितनी मिलती भाई, वही 8,000, 9,000, 7,000, 10,000। हमारा मानना था कि 25,000 के बिजनेस पे यदि किसी को 7-8,000, 10,000 तक इनकम आ जाए तो उसका परिवार सर्वाइव करना शुरू कर देगा, जिसके लिए उसको 8 घंटे नहीं देना। और मेरा ऐसा मानना है दोस्त, यदि 8 से 10 हजार महीने पे आ जाए रिटेल इनकम छोड़ के, तो सबसे आसान काम यही है। यदि आपके टीम में ऐसे एक लोग आ जाए, एक लोग टीम ए में, एक लोग टीम बी में, तो बड़े आराम से 10-15 हजार महीने इनकम आपकी हो गई। यही काम बस डुप्लीकेट करनी है, यानी 25,000 के सेल पे बॉटम 7,000 पहुंच गया, और वैसे एक एक लोग आपकी टीम में आप 10-15 हजार पहुंच गए, अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, आपकी टीम में 15,000 पहुंच गए तो आप 30,000 पहुंच जाओगे, सिंपल। तो बिजनेस ग्रोथ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्यों, यदि आपके पास 10 कस्टमर हैं तो 10 कस्टमर आपके टीम में हैं, उसी पूरा काम हो सकता है, बड़े आराम से काम यानी हो सकता है, काम हो सकता है, राइट। ओके, नाउ मैं लास्ट अपनी बात करूं तो इंडस्ट्री के अंदर मैंने क्या देखा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सिंपल। ये 2021 का आंकड़ा है, ये यानी कि ताजा 2020-2021 का। आप देखो नंबर वन पे अमेरिका है, यहां पे डॉलर की बात हो रही है, 64,691 मिलियन डॉलर का सेल हुआ पिछले साल उसका, नेटवर्क मार्केटिंग का ध्यान देना। और कितने लाख लोग ज्वाइन है, 3,36,89,000 लोग ज्वाइन है, यानी लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने मिलकर 64,000 मिलियन डॉलर का सेल दिया उन लोग। भाई आप देखो उसके नीचे सेकंड पे चाइना है, 19,000 मिलियन डॉलर, कितने लोग, सिर्फ 35,90,000, यानी 36 लाख लोगों ने मिलकर 19,000 मिलियन डॉलर का सेल दिया पिछले साल चाइना में। देखिए चाइना का बिजनेस गिरा, 2020 में चाइना और यूएस बराबरी पे आ गए थे, दो महीने चाइना का सेल ज्यादा था अमेरिका से, लेकिन कोरोना जैसे आई सेल गिर गई। आप देखिए कोरिया कितनी छोटी जगह है, कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडिया देखते हैं मेन चीज, इंडिया में पिछले साल 3,019 मिलियन डॉलर का सेल हुआ था, और लोग कितने ज्वाइन थे, 74,31,000। अब यहां ध्यान में जो देना चाह रहा हूं, क्या दिखाना चाह रहा हूं कि आप कल्पना करो कि इंडिया में 3,000 लोग 74,000 लोग मिलकर करते हैं 3,000 मिलियन डॉलर का, और सिर्फ 36 लाख लोग मिलकर करते हैं कितने का, 19,000 का। डेटा ध्यान देना, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहां पे 74 लाख लोग हैं, पता क्यों, क्योंकि हमारे यहां ना लोग क्या बोलते दोस्तों, आपस में मिलके काम ज्यादा खींचते हैं, जुड़े हैं कितने, काम कितने कर रहे हैं, 74 लाख, और 74 लाख लोग मिलकर कितना धंधा दे रहे हैं, 3,000 मिलियन डॉलर का, और यहां जुड़े कितने लोग, 36 लाख, 74 के आधे से कम होता है ये, ये 36 का डबल कितना, 72 लाख, यहाँ 74 लाख है, हमसे आधे से कम चाइनीज है, टर्नओवर देखना 19,000, क्योंकि यहाँ पे मठा धीसी ज्यादा होता है, काम कम होता है, अपलाइन की कम सुनेंगे, पड़ोसी ज्यादा सुनेंगे, जो व्यक्ति इनकम करके अमीर बन चुका उसका नहीं सुनना, जो अभी भी रोड पे घूम रहा उसका सुन लेंगे। अब तक डिफरेंस कहां पे है, आप आज इंडिया टॉप 10 में नहीं आती,
हम वर्ल्ड में 15वें लेवल पर भी आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जबकि आबादी की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री थे। यदि इंडिया के ग्रोथ भी देख ले दो तो ये इंडिया ग्रोथ है। 2017 में 13,765 करोड़ का सेल हुआ था भारत में, 13,000 का सेल हुआ। फिर 2018 में कितना हुआ? 15,000 का। 2019 में कितना हुआ? 17,000 का। और यहाँ कितना हुआ देख रहे हैं? 22,000। 15-17 2,000 करोड़ सीधे कितना छलांग मारे? 5,000 करोड़। यानी आप कल्पना करो, कोरोना के टाइम में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय 300% ग्रोथ किया है, 300% ग्रोथ किया है। हो सकता है आप में से बहुत लोग नए हो, कोई जानते भी नहीं, बिना आपके जाने भी भारत के ग्रोथ देखे पिछले 4 सालों में, 17, 18, 19, 20 यानी 31 मार्च 2021 तक का अंतराल है, अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का। तो आप कहो भारत के अंदर में भी 22,000 करोड़ का सेल हो रहा है बिना आपके ज्वाइन किए, बिना आपके ज्वाइन किए, बिना उस दोस्त के ज्वाइन किए, बोलता बिता काम। तब भी जब भी सिर्फ 0.54% लोग भारत में काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। आरा दोस्त बहुत किया था, मैंने पिक्चर देखी थी, 2018 में। नतीजा इसमें लिखा है 50 मिलियन, आज को कार टू दोस्त तो लगभग 65 मिलियन डॉलर की इनकम हो, $1 million में 65 मिलियन रुपीज की इनकम हो चुकी है, जबकि 36वां पे आउट इंक्लूड भी आने वाली है। कितना मिल रहा है आपको? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट की, ये मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल। यदि बात को दो तो मैंने नोएडा में किराए पर रहता था, मैं आज के 3 साल पहले मैंने लगभग 1.25 करोड़ मैंने फ्लैट परचेज किए हैं, खासीपुरा का फ्लैट थी। फ्लैट में पंखे से लेके एसी से लेके लाइट से लेके एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाई वॉइस कंट्रोल। आप मुंह से बोल दो कोई पंखा कोई एसी उसका टेम्परेचर सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हैं मुंह से, मोबाइल से, ऑब्वियसली मोबाइल तो हो ही जाएगा, और रिमोट से, घर के सारे पर्दे रिमोट से या फिर मोबाइल से या फिर मुंह से बोल के। यहाँ तक कि घर के जो पॉट है जिसमें लाइटिंग करते हैं वो भी रिमोट वाला है। आपका आइडिया इसलिए करूँ कि समझो क्या चीज है नेटवर्किंग में परिवर्तन आई मेरे लाइफ में। जिस बॉट पर बैठते हो वो हीट गर्म रहता है, ठंडी में ठंडा नहीं लगता, ये ठंडी में अंदर जाने की मन नहीं करता था पहले तो गर्म रहता है, पानी जो निकलता साफ करना वो भी गर्म रहता है, कितना ठंडी पड़ जाए घर में ठंड नहीं पड़ता। बाकी बहुत कुछ मसाजर है ये सब बैठे हुए सब कुछ कर सकते हो, उसी से आप बैठोगे उठोगे प्लस अपने आप को चालू कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक है। मेरे मतलब आप करना करो उस घर के अंदर में, मैं मतलब बहुत कुछ खर्च हुआ यार, बहुत कुछ। मैं सिर्फ बोलना ही चाह रहा हूँ कि आप जैसे मेरा फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में भी 22 इंच की टीवी लगी हुई है, ये क्यों मतलब लेडीज क्या होती है, किचन में काम कर रही है, कोई सीरियल आ रही है और वहां पर टीवी लगने का मन करता है तो जो टीवी में आ रहा सीधे बैक टीवी ही स्क्रीन आ रही है, यहीं पे सारी हो जाएगी फ्रिज के अंदर। आप आराम से काम करिए, किचन में इतना प्रॉब्लम देते रहिए, ठीक है। इवन मेरे फ्रिज में क्या रखा है मैं यहीं से दिखा सकता हूँ आपको, फ्रिज के अंदर क्या रखा हुआ है कितने दिन से। मान लो कोई सामान फ्रिज में एक ही रखा है 10 दिन से, नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 दिन से हीरा मिल गया बड़ा नहीं है भाई खराब हो जाएगा उठाओ वहां से। एवरीथिंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट, सब कुछ ऑनलाइन है। मेरे घर का दरवाजा किसने फिंगर लगाया, उठा किसने खोला, कभी घर में कोई खराब नहीं है तो खोल सकता हूँ। ये सब छोड़ो मेरे घर में मेहमान आ गया 7 दिन के लिए तो मैं पासवर्ड लगाऊंगा, 7 दिन पासवर्ड काम करेगा उसके बाद काम नहीं करेगा, अनलॉक करने के लिए सैमसंग का लॉक है वो। Everything automated, नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है ऐसा करके आती किसी पास इतना हाईटेक हो मैं ही बोल सकता हूँ सर। तो ये मैंने 1.25 करोड़ का घर लिया इसको नहीं आने के बाद, फिर मैंने एक ऑफिस परचेज की, ये भी 1.25 करोड़ प्लस की वैल्यू का है, एक मॉल है बकायदा नोएडा के अंदर में, इस मॉल मैंने ऑफिस परचेज किया ये लिया। और इसके बाद में पिछले 3 सालों के अंदर मेरी ये 2 गाड़ियां हैं, एक तो ये जो दोस्त अचीवमेंट आई है ना, ये अचीवमेंट किसी का पॉकेट काट के नहीं आई है, किसी के घर में पहले हमने सेविंग कराई है उसके बाद आई है, किसी घर के खर्चे में बदल किए बदलाए हैं इसलिए आई है। और जब भी दिन मैंने आपके दोस्त काम करना स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते टाइम लोगों ने बोला कि अरे भाई एक नई सी कंपनी में जा रहे हो फंस जाओगे, बड़ी कंपनी वहां पर जाओ। लेकिन मैंने तो उस कंपनी की एक आइडियोलॉजी देखी थी पहले दिन कि आखिर कार पहली कंपनी ऐसी मुझे मिली जो बोलती थी हम कंपटीशन देंगे बाबा रामदेव को, डाबर को, हिमालय को। मेरा विजन उसी दिन क्लियर था,
ये कंपनी ये नहीं बोलती मेरा कमीशन वेस्टी से है, मोदी जी से है, एमवे से है, हर्बल लाइफ से नो, ये बोलते मेरा कमीशन किससे है, ट्रेडिशनल मार्केट से है। क्योंकि जिस दिन आम आदमी इस पावर को समझ जाएगा कि अपने घर का दुकान बदल सकते बिना एक रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए और लाखों रुपए कमा सकते, दोस्त लाइफ बदल जाएगी। yes. और उसके लिए ज्यादा नहीं, हम बोलते हैं बस 15 से 20 कंज्यूमर पे काम करो, 10 कंज्यूमर पे काम करो। और मजे की बात, यदि किसी के मजबूरी से इनकम आती हो, इनकम कभी बंद नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं कि अस्पताल और स्कूल कभी बंद नहीं कह सकता, बट दोस्त ऐसा कोरोना आया कि स्कूल को बंद ही कर दिया। कितने स्कूल बंद हो गए, लेकिन क्या अस्पताल बंद हुआ? नहीं, क्योंकि अस्पताल मजबूरी है। इज्जती वैसे ही खाना मजबूरी है, नहाना मजबूरी है, धोना मजबूरी है, और जो बिजनेस किसी के मजबूरी से चलता है दोस्त, वो कभी बंद नहीं हो सकती। आप रहो चाहे आप ना रहो, आप काम करो चाहे आप ना करो, बट ये व्यवसाय बंद नहीं हो सकता, ये क्लियर है, समझना। कंफ्यूजन जहां होगी वहां मरोगे, कंफ्यूजन होगी जहां वहां मरोगे। एक भाई का क्लर्क थे बैंक में, क्लर्क थे, उनको रोज लड़की फोन करती, सेल्स गर्ल थी मारुति कंपनी की, घर से फोन आ गया, अरे सुनो तुम आज करवा चौथ है तो छाली लेते आना, छाली सोचते हो चांद देखने के लिए, मार्केट गए, रिसेप्शन का टाइम चल रहा है, पैसा नहीं बोला सर, एक पैक फ्री है, ठीक है दे दो फ्री में। घर ले गए, सब रखे अपना बैग, चले गए बाथरूम में, बीवी आई बैग खोलने की, दो छली बोली दो क्यों है, 7:30 बज रहा था, मारुति वाली कंपनी का फोन आया लड़की का, सर आपने कहा था 8 बजे तक आ जाओ, कब तक आएंगे? अगले दिन क्लर्क साहब अस्पताल में थे। क्यों? सिचुएशन और कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किसी इंसान को कुत्ते जैसे बना रखती है, न आगे बढ़ने देगी न पीछे हटने देगी। हम लाइफ टाइम कंफ्यूजन में रहेंगे दोस्त। आपको कंफ्यूजन दूर करनी है, सिर्फ दो वर्ड में आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ, आपने नहीं किया तो क्या कल से खाना पीना छोड़ दोगे, हाँ या ना? नहीं, नहीं भाई दिया, हाँ या ना? नहीं भाई, आप काम करो चाहे मत करो, आप खाना पीना आपका जारी रहेगा। Yes. Yeah. जब आपका खाना पीना नहीं, खर्चा रहना ही रहना है, तो उस खर्चे से कोई व्यवसाय रहा तो वाई नॉट, क्यों ना करें। yes. मार्केट में कई कंपनियां और भी यही बात बोलती है, लेकिन कहां तकलीफ है, जब पैकिंग उठाओ ले गया रद्दी सामान है, आप क्वालिटी उठाओ, प्राइस उठाओ, और उसके बाद में उसका लुक एंड फील उठाओ, आपको बेहतर महसूस हो तब स्टार्ट करो। yes. मान लो बेहतर है किसी का, तो ये भी कंपेयर करो कि इनकम कितनी आए उस सेल पे। Yes. आज क्या किसी कंपनी में 5,000 का सामान लेने पर 10,000 का फ्री मिल सकता है क्या? नहीं। क्या कोई मार्केट में ऐसी कंपनी जो दो टूथपेस्ट पर दो फ्री देती हो? नहीं। बोलती चाय पत्ती खरीदो तो आपको सामान फ्री मिलेगा, बताओ तो सामान फ्री मिलेगा। हम उन सामान को दोस्त ऑफर देते हैं जिसको लोग कल्पना नहीं करते, देते हैं कंज्यूमर के लिए, प्रॉफिट के लिए। और फाइनली हम बोलते हैं 25,000 करो, अपने घर 7,000-8,000 लेके जाओ, रिटेल लेवल तो और ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज गांव में इंसान की परिवार 10,000 महीने में 8,000 महीने में सर्वाइव करना शुरू कर देती है। आज लगभग 800-900 रुपए का पेट्रोल फुल होता है टंकी एक, है ना, एक बार में। तो मैं बोलता हूँ कि मान लो 4 बार का हफ्ते में 2 बार टंकी फुल करना हुआ गाड़ी की, तो 17-18 खर्चा आ जाएगा, मैं बोलता हूँ 2,000 आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ 2,000 भी खर्चा आ जाए, पूरे महीने में 6,000 का पेट्रोल भरा दें, तो आप पूरे महीने पेट्रोल भरा के भागने की दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 25,000 बिजली की मैचिंग में। आज ये इनकम किसी कंपनी में नहीं है। आज मैं ये बोलता हूं कि 1,30,000 बिजली निकाल ले कोई, अच्छा आपको आइडिया देता हूं, बड़ा लोग कोई कल्पना कर सकता है, बड़ा लोग कि मेगा फ्लेक्सी बोनस की वैल्यू कितनी आने वाली है, आ सकती है अंदाजा कोई? हाँ सर दिलर जी, 30,000-40,000 सुपर फ्लेक्सी की 7,000-8,000 आप कल्पना करो कि लगभग 40,000 की वैल्यू जा रही है इस बार सिर्फ 30,000 डाल के, 30,000 भी डालो 40,000 इनकम बढ़ गई, और लगभग 15,000 10 से 15,000 बीपी वैल्यू जा रही है किसी सूर में, यानी किसी ने यदि 20,000 और 10,000 किया है 30,000 उसकी इनकम लगभग 50,000 बढ़ गई।
यानी इस महीने में किसी ने 50-50 बैचिंग की हो प्लस 3,000 किया हो तो इसकी इनकम जा रही है लगभग 65-70,000 रुपए। 100% वो हमें लूट बंद करनी है और लूट बंद होते होते हमारे आप जैसे कई लोग यहाँ मिलेनियर बन सकते हैं। दोस्त गंगानगर में मेरी दूसरी मीटिंग है, एक रैंडमली थी एक ये हुई। यस यस राइट। आप कल्पना करो यदि किसी मीटिंग में 100-150 लोग बैठे हो तो क्या आपको लगता है सर में काम हो रहा है? अभी तक नहीं हो रहा है। आपके शहर में अभी काम नहीं हो रहा दोस्त, आपके शहर के आसपास भी काम नहीं हो रहा है। अभी सभी लोग गुल्ली डंडा खेल रहे हैं सर, चलो कर लेते हैं, परसों कर लेंगे, चौथे दिन सोए रहेंगे, उस दिन कर लेंगे, उस दिन सोए रहेंगे। आज भी यहाँ पे रियल वर्क शुरू नहीं हुआ, पूरे इंडिया के अंदर रियल वर्क शुरू नहीं हुआ। जब ये कंपनी बिल्डिंग फेज में है और तब इतनी इतिहास रख चुकी, इतनी लाइन लग चुकी है दोस्त, जब ये बड़ा करेगी 2-4 साल में सोचो क्या होगा। आज हमारी कंपनी के सीईओ कमिटेड है कि 2022 में इंडिया का हाईएस्ट अर्नर हमारी कंपनी का होगा। ध्यान रखना, यदि इंडिया का हाईएस्ट अर्नर 2022 करोड़ के लाइफ से निकला तो भैया हाईएस्ट अर्नर बनने के लिए महीने का 1.25 करोड़ का इनकम होना चाहिए। कितने का? 1.25 करोड़। मैं अपनी बात करूं तो मेरी एवरेज 29 लाख है, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख ऐसे चलते होते हैं। यानी मैं अपने आप को यदि मैं रखूं 30 लाख तो 1.25 करोड़ 30 लाख कितना गुना होगा? 4 गुना। मैं अपने से बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। यानी कि मेरी इनकम यहां से 4 गुना जाए तब जाकर 1.25 करोड़ होगी, राइट? तो जब मेरी इनकम 4 गुना 2022 तक प्लान करके कंपनी चल रही है, मैं खुद चल रहा हूं, मेरे से और लोग चल रहे हैं, तो जो लोग आज ज्वाइन उनको भूल जाओ, अभी आप लोग तो बोनस वाले हैं। जो अगले 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ज्वाइन होगा जब जीरो पे और वहां से बिजनेस 3 गुनी बढ़ने वाली है तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है दोस्त? जो मेरी आज इनकम है, आप हॉल में बैठा एक एक व्यक्ति अखिलेश की इनकम बीट कर सकता है अगले 1.5 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां से कम 4 गुना प्लान कर रही बिजनेस लेके जाने का। तो भैया 4 गुना जाएगा बिजनेस तो बिजनेस इसके नीचे होगा, आपके नीचे। उसके लिए कंपनी हर वो काम कर रही है जो काम आप देख रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग। आज SLP होने वाली जयपुर में, आपको अंदाजा देख रहा है कंपनी क्या कर रही है। तो अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है आपका 5,000, 5,000, 5,000 और 2,500, 17,500 बिजनेस वैल्यू पे 2 रात 3 दिन का ट्रिप है जयपुर में, बहुत ही शानदार। वहां पे बॉलीवुड का सिंगर बी प्राक, नाम सुना लोगों ने? यस। एरी मिट्टी वाला गाना, फिलहाल वाला गाना जो आए भाई, तो वो वहां पे आ रहे हैं। उनको बुलाया गया कि हमारे हर प्रोग्राम में कोई सिंगर आता है जरूर से, तो वो भी वहां पे आ रहे हैं। आप उस मीटिंग में जाना और महसूस करना कि सिर्फ 17,000 बिजनेस देखे कंपनी क्या कहां बैठाई हुई थी। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, इतनी जबरदस्त वहां पर तैयारी है, अब तक की जाना जी सारी मीटिंग भूल जाओगे आप। यस सर, गारंटी है आपकी। इतनी बड़ी तैयारी करने जयपुर में कर रखी है, हो सकता फिर से हाथ ही बैठने का मौका मिले। तो कंपनी बहुत ही शानदार इवेंट जयपुर में करने वाली है, जो लोग अचीव कर सके मतलब अपना एनी चीज का जोर लगा दो, जो बेस्ट हो सके करो, पर जयपुर आओ। क्योंकि 2 रात 3 दिन कंपनी के टॉप लीडरशिप, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, कंपनी का सीईओ बी प्राक और बहुत सारे लोग वह साथ इकट्ठे होने वाले, सबसे मिलेंगे जुलेंगे वहां। कंपनी क्या प्लानिंग 2 रात 3 दिन कुतुक ने सिखाएगी, कुतुक बड़ा करने वाली है कंपनी। 4 नए कॉफी लॉन्च करने वाली इस महीने, बता आपको 4 नए कॉफी। किसी का पेट खराब होता है और लेटरिन सही से नहीं होती, उसके लिए कॉफी लॉन्च होगी, नेचुरल वाली कॉफी, कॉफी पियो पेट सही हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें कंपनी काम करने जा रही है दोस्त, जो मार्केट में अब तक हुआ ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बार बोलना चाहूंगा लास्ट में कि आप लाख दिमाग लगा लो, एंड ऑफ द डे बिजनेस तभी बड़ा होगा जब सेल आएगी, और सेल तभी बड़ा होगा जब कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा, और कंज्यूमर बहुत चालू इंसान है, वो तब एक्सेप्ट करेगा जब उसको रेट्स बन जाएगी, क्वालिटी बन जाएगी, पैकेज बन जाएगी। और वहां पे ओके लाइफ का मुकाबला कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंस से मुझे सुनाई थी देर तक। मेरा उद्देश्य एक अवेयरनेस फैलाना था कि क्यों आपको ओके लाइफ सेलेक्ट करना चाहिए।
मैंने एक कैलकुलेशन से लेके एक विजन से लेके कंपनी कैसे सब कर रही है, कैसे करने वाली है, सब कुछ शेयर करने का प्रयास किया। दोस्त यदि कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तभी मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे साथ बस भी बैठ सकते हो, बात कर सकते हो और कर्म रहेंगे अनुगढ़ में। yes. तो कल कोई भी आपका जानकार अनुगढ़ में हो तो आप वहां भेज सकते हैं। बता दो आपको कोई इंडिया में कोई भी आपका परिचित हो कहीं भी, जैसे मैं 26 तारीख को रहूंगा रामपुर में बरेली के पास, 12 तारीख को मैं हूँ पटना के अंदर, 11 तारीख को मैं हूँ बनारस के अंदर, तो ऐसे में डेट्स बने मेरे साथ, तो आप लोग वहां भी लोगों को भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हो तो रिश्तेदार को जाने वाला पूरे इंडिया में कहीं भी आप पता हो, यदि उसके दिमाग में दिल में कुछ इच्छा है बड़ा करने की दोस्त, तो आपको उस चरण में जाकर प्रोग्राम करेंगे, हम समझाएंगे, हम बताएंगे, भेज को भेज देंगे। बट एक बात बताएंगे कि आप भागने को तैयार हो, आप चलने को तैयार हो तो हम आपसे 10 पर मांगेंगे इसका वादा आपसे पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच।